द नेक्स्ट सेक्शन इज इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के तकरीबन पहले कुछ पार्ट्स में हम मैकेनिक्स को इसलिए स्टडी करने जा रहे हैं कि हमने ये क्लियर एक डिफरेंस देखना है कि हाउ मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स आर डिफरेंट। डिफरेंट इन सेंस ऑफ थ्योरी और लॉज नहीं है, डिफरेंस इसका इन सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन होगा। यानी मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करेंगे हम एक मॉडर्न वे में, मैकेनिक्स को अपने कन्वीनियंट वे में डिस्क्राइब करेंगे, सिंबल रोटेशन चेंज की जा सकती है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिंबल्स होंगे, पर्टिकुलर नोटेशन होंगे, पर्टिकुलर आइडियाज होंगे। लेकिन मैकेनिक्स से रेलिवेंट जरूर होंगे लेकिन उनके लिए हम स्पेसिफिक सिंबल यूज करेंगे। तो मैकेनिक्स का हम यहाँ पर आगाज करते हैं, इसमें सबसे पहले कुछ ब्रांचेस की बात करेंगे जिसमें सब फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसको आप देख सकते हैं डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ बॉडी। यानी अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी मोशन पर क्या क्या इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है, उस पर मोमेंटम का क्या इफेक्ट है, एनर्जी का क्या इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हिस्ट्री में अगर आप डिटेल देखें तो मैकेनिक्स वाज द ओल्ड नेम ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स की तो बेशुमार टाइप्स हैं लेकिन मेजरली यहाँ पर थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स अगेन स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन एट मैक्रो लेवल। यानी इसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जिनकी स्पीड जो है दैट मीन्स लेस इन कंपेरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक आपके देख सकते हैं जैसे स्टार, सन, प्लैनेट्स या हमारे इर्द-गिर्द हर वो ऑब्जेक्ट जो स्लोली मूव कर रहा है उस पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मुख्तलिफ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर चंद एक नाम है, एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, लैग्रांज, हैमिल्टन एंड मेश। सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की दो तरह की मैकेनिक्स, एक जनरल रिलेटिविटी है और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें हम हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे या हाई मूविंग सब ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसका फाउंडर जो है दैट वाज आइंस्टाइन, 1905 में उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। थर्ड वन इज द क्वांटम मैकेनिक्स। ये माइक्रो लेवल, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर जाकर आप मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। इसमें अगेन वही तमाम फिनोमेना लॉज होंगे जो कि क्लासिकल से रेलिवेंट है या उनको अपडेट करके डिस्क्राइब किया जाएगा, या क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फ्लॉज हैं यानी जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कैसे एप्लीकेबल है। इसमें दो मेन साइंटिस्ट के नाम आते हैं, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। ये चंद एक सब डिसिप्लिन आ गए जिसमें काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी डिटेल। काइनेमैटिक्स जिसमें हम मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं मैकेनिक्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉसिबल मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडीज। यानी इसमें हम इस तरह से मैकेनिक्स डिस्क्राइब करते हैं इसमें नो नॉलेज ऑफ कॉज, हम विदाउट एनी कॉज डिस्कस करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है या एक बॉडी अलॉन्ग द रोड मूव कर रहे हैं, हम उसकी मोशन स्टडी करते हैं लेकिन उसके इफेक्ट्स को, उसके काज को डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स में हम काज को डिस्कस करते हैं कि वाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द रीजन इज ग्रेविटेशनल पुल। रोड पर गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा क्यों कर सकते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज डायनामिक्स। इसी तरह से स्टैटिक्स, अगर आप किसी बॉडी की मोशन को इस तरह से स्टडी कर रहे हैं कि उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेज का सम जीरो आ जाए और बॉडी रेस्ट में आए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये मैकेनिक्स के चंद एक और ब्रांचेस हैं जिनका हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फिजिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बात करते हैं, अ रिजिड बॉडी में बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल। अब रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि आप जिस डिस्कस करते हैं सॉलिड, आई एम सॉरी, गैसेस को, और एक मैकेनिक्स हमारे पास आती है लिक्विड्स की जिसको आप फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं, और एक आपके पास सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स आती है जिसमें आप जस्ट सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। तो इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स को क्लासिकल क्यों कहा जाता है, ये क्लासिकल वर्ड के या टर्म के मीनिंग क्या है,
यहाँ पर हेडिंग दी गई है एज ए फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, क्लासिकल क्लासिकल वर्ड को अगर आप देखें अपनी डेली लाइफ में, इंग्लिश में कहाँ हम यूज करते हैं इसको, फॉर एवरी टाइम एंड एवरी थिंग हम यूज करते हैं क्लासिकल। हम कहते हैं कि ये बड़ा क्लासिकल म्यूजिक है। तो क्लासिकल म्यूजिक का मतलब ये होता है कि ऐसा म्यूजिक है जिसकी हर दौर में एक अपनी इंपोर्टेंस रही है। सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसी मैकेनिक्स है जो कि आने वाले तमाम पीरियड्स में, आने वाले तमाम टेक्नोलॉजी के दौर में उसकी अपनी इंपॉर्टेंस रही है। दैट्स वाई वी कॉल दिस मैकेनिक्स एज अ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हम इसको क्यों स्टडी करने जा रहे हैं जबकि मैकेनिक्स अवेलेबल है मॉडर्न फॉर्म में, उसकी चंद एक रीज़न है। उसकी पहली रीज़न ये है कि जब हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, लाइक दिस वन, दिस इज फंडामेंटल मैकेनिक्स। तो इसमें अगर आप देखें, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन एंड दिस इज अगेन वेक्टर। अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ, पेंडुलम एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें बॉडी ऑसिलेट कर रहे हैं, और आपसे कहा जाए कि इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएं, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनमिना बन जाएगा कि इस वक्त एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिस्क्राइब की जाए हर पॉइंट पर। इसी तरह से आपके पास एटवुड मशीन है लाइक दिस वन, जिसके साथ दो डिफरेंट मैसेज को सस्पेंड कर दिया जाए, और अब आपसे कहा जाए बॉडी की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएं या फोर्स की, पूरा डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। उसके लिए मैकेनिक्स हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स की ये ब्यूटी है कि हम इन सिस्टम को जब ट्रीट करेंगे लाइक दीज वन, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, उसमें हम इन वेक्टर्स के बजाय, इन वेक्टर क्वांटिटीज के बजाय हम स्केलर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उन स्केलर ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं चंद एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास है लग्रांज एल दिस वन, ठीक है, लग्रांज एल। इसमें ये जो टी है ये काइनेटिक एनर्जी है, और वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हैमिल्टन हम यूज़ करेंगे, एच ये टोटल एनर्जी आएगी। यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टूडेंट में ये आती है कि एल भी एनर्जी है, एच भी एनर्जी है। देखिए ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये एक रीज़न है कि वाई वी स्टडी द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम इसलिए स्टडी करने जा रहे हैं कि उसके अंदर हम स्केलर ऑपरेटर यूज करेंगे एज कम्पेयर टू वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरा, यहाँ पर चंद एक एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने आगे स्टडी करने हैं। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है डीज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसमें फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हम डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज द लग्रांज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, एंड दीज टू आर हैमिल्टन इक्वेशन। इनको नेक्स्ट सेक्शन में जाकर हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे।